सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। चाउमीन देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पानी लिया है, पानी आप चाउमीन के अकॉर्डिंग लीजिए। मतलब चावल हम बनाते हैं तो डबल पानी देते हैं, वैसे ही लेना है हमें चाउमीन। तो मैंने यहाँ पतला वाला चाउमीन है, आपके पास मोटा वाला तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। और जब पानी गुनगुना हो जाए तो उसमें डालना है, और उसमें एक चम्मच यहाँ तेल डालना है, रिफाइंड ऑयल और सॉल्ट। तेल डालने से चिपकता नहीं है चाउमीन। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट में पक जाता है, हमें ज़्यादा उबालना नहीं होता है। देखिए पक गया है, और इसको छान लेना है और ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि खिला खिला हमारा चाउमीन रहे। चाउमीन को पानी से धोने के बाद ये आधे घंटे बाद पूरी तरह से सूख जाता है, तो इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ताकि और भी ज़्यादा खिला रहे चाउमीन हमारा। ऑयल डालने के बाद इसको दोनों हाथों से हल्के हाथों से उठा उठा के मिक्स करना है ताकि ऑयल चारों तरफ पहुंच जाए। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है तो इसमें सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ 2 प्याज बड़ा, 1 गाजर, आप कोई सी भी ग्रीन सब्जी ले सकते हैं, और 2 हरी मिर्ची, 1 बारीक कटी हुई लंबी शिमला मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फ्लेम को हाई ही रखना है, हमें सब्जी को पकाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राइनेस लाना है। अब 1-2 मिनट भुनने के बाद इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, तो मैं यहाँ 1 बाउल के लमसम पत्ता गोभी डाल रही हूँ। पत्ता गोभी डालने के बाद भी हमें फ्लेम को हाई ही रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि वो पके नहीं। बस 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें सॉस डालेंगे, तो मैं यहाँ 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, 2 चम्मच चिली सॉस ग्रीन वाली, आपके पास रेड डाल भी सकते हैं, और विनेगर 2 चम्मच, इससे खटापन आता है। अब इनको मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई ही रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को, हमें चाउमीन बनाना है ना कि सब्जी। और इसमें फिर हमें चाउमीन डालना है, देखिए कितना खिला है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अगर आप लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं तो इसमें डाल सकते हैं सॉल्ट, पर मैंने नहीं डाला है इसलिए कि उबालने में भी चाउमीन में डाला था और सॉस में भी नमक होता है। देखिए मैं कैसे हाई फ्लेम पे हिला रही हूँ अब 2 चम्मच की सहायता से कि ना टूटे हमारा चाउमीन, ऐसे आपको करना है तो चाउमीन टूटेगा नहीं। चाउमीन बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और कलरफुल बना है। अब इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। चाउमीन को सर्व करते से मैं ऊपर से टमेटो सॉस डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप लोगों को चाउमीन की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इट हेल्दी बी हेल्दी, बाय बाय।